सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू माजिद यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। हेलो गाइस, दिस इज माजिद एंड यू आर वाचिंग हाउ टू माजिद यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस एक CMS सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम वेबसाइट मेक करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी प्लगइन्स मिल जाते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, प्लगइन्स हमें काफ़ी अच्छा हेल्पफुल और हमें एक अच्छा मेथड देते हैं जिससे हम विदाउट कोडिंग काफ़ी अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और हमें उनको इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन के लिए होता है, ब्लॉगर और चीज़ है, वर्डप्रेस और चीज़ है। वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपका जो कॉन्टेंट है वो ओपन सोर्स है, उसके ऊपर किसी की प्राइवेसी नहीं है। जैसे ब्लॉगर है वो गूगल की सर जैसे ब्लॉगर है वो गूगल की एक पॉलिसी है, वो सारा डाटा गूगल के पास होता है। और जो वर्डप्रेस है वो उसकी होस्टिंग आपकी खुद की होती है, डोमेन आपकी खुद की होती है, और ये एक ओपन सोर्स है, इसकी मिल्कियत आप पर होती है, आप इसके मालिक होते हैं और कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाता आपकी परमिशन के बगैर। तो वर्डप्रेस में बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन होती हैं, वेबसाइट बनती हैं, लोग वेबसाइट बनाते हैं और इससे एक अर्निंग जनरेट कर पाते हैं। वर्डप्रेस से हम एक वेबसाइट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसके ऊपर हम अपने कॉन्टेंट शेयर करते हैं लोगों के साथ, और एक अच्छा ऑडियंस मिलने के बाद हम उसके ऊपर गूगल एडसेंस या किसी भी एडसेंस कंपनी से एड्स लेते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं। जितने ऑडियंस आती है उसके मुताबिक हमें एडसेंस या कोई भी एड कंपनी हमें उसका रेवेन्यू जनरेट करके हमारे अकाउंट में दे देती है। तो बेसिकली एक हो गया अर्निंग का मेथड, मैं आपको गाइड करूँगा। और बेसिकली हम इसको डिज़ाइन करेंगे कैसे, वो हम इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका मैं ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ, ये इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट में हम इसको गाइड करेंगे। तो इसके अंदर आज की डेट में 55,836 प्लगइन्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इसमें आप प्लग एंड प्ले सेटिंग्स लगा यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप थीम्स आपको बड़ी बनाई मिल जाती हैं, वो आप लगाएं और उसमें जैसे आप माइनर से चेंज करने जा रहे हैं वो भी विदाउट कोडिंग आप कर सकते हैं। थीम्स लें और उसे चेंज करें, अपलोड करें और अपने वर्डप्रेस को डिज़ाइन करें। एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ये कि जितनी मर्जी वेबसाइट्स रहो, आज के दौर में वर्डप्रेस के ऊपर काफ़ी लोग आगे रजिस्टर कर रहे हैं और इसके ऊपर वेबसाइट मेक कर रहे हैं। देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के ऊपर किस वर्डप्रेस का क्या स्कोप है और लोग इस तरह से कितनी अर्निंग कर रहे हैं और हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपको किस तरह से इसका देखना है कि क्या इसका रिस्क ऑफ रिवार्ड आपको मिल सकता है अगर आपको वर्डप्रेस आती है। तो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर कि किस तरह से लोग अर्न कर रहे हैं और क्या इसका आप अर्न कर सकते हैं और क्या इसका प्रॉफिट है। करते हैं अपना ब्राउज़र ओपन। तो मैं fiverr.com के ऊपर मौजूद हूँ कि fiverr.com पर लोग किस तरह से अर्न कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। इसके ऊपर जस्ट मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो रिजल्ट्स हमें शो होंगे कि किस तरह से लोग इसके ऊपर अर्न करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी मंथली बेसिस पे, कि लोग हज़ारों डॉलर भी कमा रहे हैं और $100 तो कहीं भी नहीं गए। तो मैं देखता हूँ, वैसे सर्च करने के बाद ये देखें कि आप ये जो फर्स्ट पे आप गिग देख रहे हैं कि $145 जस्ट एक वेबसाइट को क्रिएट करके, डिज़ाइन को, ब्लॉग को डिज़ाइन करके। तो देखें $145 ये कम नहीं होता है, 14,500 अगर 100 रुपये का डॉलर अगर हम पाकिस्तान के अंदर लगाते हैं, अगर इंडिया के अंदर जो भी लगाएंगे वो भी जो रेट हमें मिलता है। तो देखें इसके बिल्कुल नीचे वाला गिग देखें तो $750 जस्ट एक वेबसाइट और ब्लॉग को डिज़ाइन करने का। तो देख सकते हैं कि अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आप किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी भी गिग्स भी आप देख सकते हैं कि इसका क्या स्कोप वर्डप्रेस में होगा अगर आप अभी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।